मॉर्गन गीजर एंड एनीसा। बहुत सी भूतिया कहानियां जो इंटरनेट पर पड़ी हैं, उनमें से आधे से ज्यादा फेक हैं, जिनका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सन 2014 में 12 साल की दो लड़कियां, जिन्होंने एक भूतिया कहानी को रियलिटी में तब्दील कर दिया। जी हाँ, इन दोनों लड़कियों ने मिलकर एक और लड़की को अपनी बलि देने के लिए मजबूर कर दिया, और ये सब इसलिए ताकि वो सिलेंडर मैन से मिल सके। हुआ कुछ यूं कि एक शनिवार के दिन दोनों लड़कियां, मॉर्गन और एनीसा, अपने ही स्कूल की एक लड़की के पास गई और उसे अपने साथ जंगल में घूमने जाने के लिए तैयार कर लिया। ये तीनों लड़कियां विस्कॉन्सिन में ही रहा करती थी, और तीसरी लड़की, जिसका नाम पेटन लुटेनिस्ट था, वो भी इनके साथ शामिल हो चुकी थी। जंगल में ले जाकर मॉर्गन और एनीसा ने एक धारदार चाकू के साथ पेटन की हत्या कर डाली, ऐसा उन्हें लग रहा था, क्योंकि चमत्कारिक रूप से पेटन इस हमले में बच गई। एनीसा और मॉर्गन पेटन को वहीं जंगल में छोड़कर वापस भाग चुकी थी, और पीछे पेटन किसी तरह घसीटते हुए जंगल में ही बने एक घर तक जा पहुंची, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद उसे छुट्टी मिल गई। पेटन ने तुरंत अपने बयान पुलिस के सामने रखे और सिलेंडरमैन वाली बात सभी को बताई। सबसे पहले तो सिलेंडरमैन का किरदार बनाने वाले इस आदमी ने पेटन के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई, जिसके बाद उसने पेटन को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे भी दिए, और तब एनीसा और मॉर्गन को कोर्ट में बुलाया गया, और कोर्ट ने तुरंत इन दोनों लड़कियों के ऊपर 25 सालों तक मेंटल हॉस्पिटल में रहने की सजा डाल दी। जबकि लोग डिमांड कर रहे थे कि इन दोनों लड़कियों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों लड़कियों का नाम आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक बच्चों में गिना जाता है। गर्ल ए। 1 जून 2004 के दिन एक लड़की, जिसका नाम मैं गर्ल ए रखूंगा, उस लड़की ने अपनी ही एक क्लासमेट की चाकुओं से हत्या कर डाली। सिर्फ 11 साल की गर्ल ए ने सातोमी नाम की लड़की पर इतने वार किए कि उसके शरीर से खून का एक एक कतरा बाहर निकल आया। ये दोनों लड़कियां सिर्फ 11 साल की थी, और ये सारा काम जापान के ससेबो में बने एक स्कूल में हुआ। गर्ल ए आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि वो नाबालिग थी, और जैसे कि जापान का भी यही रूल है कि अगर कोई भी नाबालिग जुर्म करेगा तो उसकी फोटोज या फिर का नाम पब्लिक नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं तो जापान में नहीं हूँ, इसलिए मैं तो आपको बता ही सकता हूँ कि उस लड़की का नाम नात्सुमी था, और जैसे ही नात्सुमी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। वो पूरी रात जेल में सॉरी सॉरी बोलती रही, लेकिन अब सवाल ये था कि एक छोटी सी बच्ची ऐसा काम क्यों करेगी। तो असल में हुआ कुछ यूं कि सातोमी ने नात्सुमी का नाम बिगाड़कर गुडी गुडी रख दिया था, और सिर्फ इसी बात से गुस्सा होकर नात्सुमी ने सातोमी को निपटा दिया। तो अगर आगे से आपका भी कोई नाम बिगाड़े तो आप उसे वीडियो दिखा दें। खैर, नात्सुमी को सिर्फ 2 साल की जुडिशियल कस्टडी ही हुई, लेकिन इस कांड से पूरे जापान में इतना हंगामा हुआ कि मजबूरन सरकार को नाबालिग होने की उम्र को कम करना पड़ा। और आप मुझे बताइए कि जापान में बालिग और नाबालिग होने की उम्र कितनी होती है, बिना गूगल करे। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। बीवर ब्रदर्स। ये सारा कांड जुलाई 2015 ओक्लाहोमा अमेरिका में हुआ। दो भाई, जिसमें से एक की उम्र 18 साल और एक की उम्र 16 साल की थी, इन दोनों ने मिलकर अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर डाला। जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर अपने माता पिता और अपने भाई की चाकू से हत्या कर दी। लेकिन ये सब यही नहीं रुका, उनके दिमाग में जो चल रहा था वो तो इससे भी ज्यादा कहीं भयंकर था। जी हाँ, वो अब और भी हत्या करना चाहते थे, और वो भी सिर्फ फेमस होने के लिए। और इस टाइप का मोटिवेशन पाकर और भी कई लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं, जैसे कि फिलिप डी फ्रेंको, या फिर और भी कई जाने माने लोग हैं जो इसी तरह का मोटिवेशन पा चुके थे। इन लोगों को सिर्फ फेम चाहिए होता है, और इन दोनों भाइयों को भी यही चाहिए था। वो अपने काम में पूरी तरह से सफल रहे, क्योंकि आज भी इन दोनों भाइयों को पूरे अमेरिका में सबसे बदनाम भाइयों की जोड़ी माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये था कि इन दोनों भाइयों ने अपने बाकी बचे 4 भाई बहनों में से 2 की ही जान क्यों ली, 2 को क्यों बख्श दिया। तो जवाब है, सबसे पहले तो इन दोनों ने अपने माता पिता यानी कि डेविड और अप्रैल को मौत के घाट उतारा, बिल्कुल वैसा ही कुछ अपने 2 साल के छोटे भाई डैनियल के साथ किया, जिसके बाद लपेटे में 7 साल की क्रिस्टोफर भी आ गई। लेकिन वो ऐसा कुछ ही अपने 13 साल की एक और बहन के साथ करना चाहते थे, लेकिन वो उसमें असफल रहे, और एक 2 साल की एक और बहन वो भी इस हमले में बच गई। भगवान ऐसे भाई या फिर ऐसे बच्चे किसी भी माता पिता या भाई बहन को ना दे। जैस्मिन रिचर्ड। ये लड़की भी इस दुनिया के सबसे खतरनाक बच्चों में गिनी जाती है। अमेरिका के अल्बर्टा में रहने वाली जैस्मिन का एक बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम जेरेमी स्ट्रिंक था, और ये दोनों ही बहुत अजीब इंसान थे, और हमेशा ऐसी बातें करते थे जिन्हें आप या मैं डरावनी बोल सकते हैं। और कई बार उन्होंने चैट्स और फोन पर जैस्मिन के परिवार को खत्म करने की भी बात करी, और ऐसा इसलिए क्योंकि जैस्मिन के माता पिता ने जैस्मिन को जेरेमी से मिलने पर रोक दिया था, और इस रुकावट के पीछे का कारण था जेरेमी की उम्र।
जी हाँ, जेरेमी की उम्र पूरे 23 साल की थी और तब जैस्मिन की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। लेकिन तब आया 2006 का समय, जब एक रात जेरेमी जैस्मिन के घर घुस गया और वहाँ घुसकर जैस्मिन के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये सब कुछ जैस्मिन की आंखों के सामने हुआ और उसने एक बार भी जेरेमी को ऐसा करने से नहीं रोका। जिसके बाद ये दोनों घर से निकले और सीधा जेरेमी के घर घुसे और वहाँ सो रहे जेरेमी के भाई को भी मौत की नींद सुला दिया। जेरेमी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैस्मिन को सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई गई। लोग कहते हैं कि जेरेमी को 25 साल की सजा हुई है और वो सन 2034 में बाहर आ जाएगा। शिर्ले वुल्फ एंड सिंडी कॉलियर। एक दिन दो लड़कियां, जिसमें से पहली शिर्ले जिसकी उम्र 14 साल की और सिंडी जिसकी उम्र 15 साल की थी, ये दोनों एना ब्रैकेट नाम की महिला के घर पहुंची और उसका दरवाजा खटखटाया। एना की उम्र तब 85 साल की थी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एना बाहर आई और घबराते हुए उन्होंने एना से कहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कृपया आप हमें अंदर आने दे और अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने दे। बेचारी बूढ़ी महिला ने उनकी मदद कर दी और उन्हें अंदर बुला लिया और गेट बंद होते ही इन दोनों लड़कियों ने अपनी जेब में रखा एक धारदार चाकू निकाला और एना के पेट में घोंप दिया और इस हमले में तुरंत एना की मौत हो गई। एना की जान लेने के बाद वो घर को ताला लगाकर वहां से भाग गई। इससे भी बुरी बात तो ये थी कि भागते भागते ये दोनों लड़कियां एक गाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें इनकी हल्की सी टक्कर हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि एना का बेटा ही चला रहा था। ये दोनों लड़कियां बिल्कुल यही काम एक महिला के साथ पहले भी कर चुकी थी और एना के साथ करने के बाद ये बिल्कुल यही काम एक और महिला के साथ करने जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके घर में घुसी तो देखा कि सामने उस महिला का पति भी बैठा हुआ है, जिसके बाद वो वहां से वापिस आ गई। उस महिला ने बताया कि ये दोनों लड़कियां बहुत अजीब सी थी, क्योंकि उसने जिस गिलास में इन दोनों को पानी दिया था, ये जाते जाते उस गिलास को भी साफ करके गई और फोन पकड़ने से पहले भी इन्होंने ग्लव्स डाल लिए थे। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स कहीं रह ना जाएं। बेशक वो कितनी भी चालाक क्यों न थी, लेकिन पुलिस को उन्हें पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में उन्हें पागलखाने भेज दिया गया। लेकिन आप मुझसे ये बात जरूर पूछेंगे कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रही थी, तो जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। जब हम 14-15 साल के थे तब हमें कार्टून से फुर्सत नहीं मिलती थी और यहाँ ये लड़कियाँ मर्डर कर रही हैं और वो भी सिर्फ मजे के लिए। नेमिया ग्रियागो। ये कांड 2013 में न्यू मैक्सिको में हुआ। एक 15 साल का लड़का जिसका नाम नेमिया ग्रियागो था, उसने एक रात अपनी ही माँ की जान लेने का सोचा। घर में पड़ी 22 कैलिबर की राइफल को उसने उठाया और जैसा उसने सोचा था वैसा कर भी दिया। गोली की आवाज सुनकर उसका भाई उठ गया और उतने में ही नेमिया ने बड़े खुश होकर अपने भाई को दिखा दिया कि देखो मैंने क्या किया है। नेमिया को लग रहा था कि उसका भाई ये सब देखकर खुश होगा, लेकिन वो तो उस पर गुस्सा होने लगा। ग्रियागो से ये गुस्सा सहन नहीं हुआ और अपने भाई पर उसने गोली चला दी। घर में सो रहे दो और सदस्यों के साथ भी इस छोटे बच्चे ने यही किया और तब उसने घर के दरवाजे के पास बैठकर अपने पिता के आने का इंतजार किया और जैसे ही उसका पिता घर में घुसा तो नेमिया ने अपने बाप को भी गोली से उड़ा दिया। अपने पूरे परिवार को खत्म करने के बाद वो अपनी बंदूक खुलेआम लेकर बाहर गलियों में घूमने लगा, जिसके बाद उसे पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। ये बच्चा बहुत अजीब था, क्योंकि पहले ही कोई भी पुलिस या फिर डॉक्टर उसके ऐसे बिहेव को समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा, जैसे ही उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, वो वहां बैठे हर इंसान पर थूक फेंकना शुरू कर देता है, इसलिए मजबूरन पुलिस वालों ने उसके मुंह पर एक मास्क डलवा दिया। इतने बड़े कांड करने के बाद भी उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नाबालिग था। इसकी सजा के खिलाफ लोगों ने बहुत आवाजें उठाई, लेकिन जज ने कहा कि उसकी दिमागी हालत का सुधार किया जा सकता है और हम वही करेंगे। सच में ये बंदा बहुत खतरनाक था। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट चिराग शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।